चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में आदित्य आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरान वो पहली जनसभा अररिया में संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो मुजफ्फरपुर के कुढ़न्नी में अपना जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के आज बीजेपी के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा और जिलाध्यक्ष रंजन कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की आम सभा केरमा में बुलाई गई है और आज उसी को लेकर के हमारे सभी गठबंधन के जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं और आप सब लोग एक एक करके उनसे भी बात करेंगे और पूरा एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए पलक बिछा करके यहाँ की जनता भी, यहाँ के गाँव में रहने वाले मजदूर किसान भाई भी और सारे लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना भी चाहते हैं। इसलिए मैं कल से देख रहा हूँ और कई पंचायतों में, कई गाँव में जाने का अवसर मिला है माननीय जिला अध्यक्ष जी, कल रंजन जी हम सब लोग साथ में थे, हमारे एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष जी भी हर तरफ जा भी रहे हैं। एक प्रकार से उत्साह है माननीय मोदी जी को देश का पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह लोगों के अंदर में है और इस उत्साह को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि कल बड़ी संख्या में मुजफ्फरपुर के नौजवान, माताएं, बहनें, किसान मजदूर भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए केरमा के मैदान में आएंगे। मैं तो आज आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं कि आप भी आइए और उसमें शामिल होकर के हम सब लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुने भी और आपके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को गाँव-गाँव तक भी पहुँचाने का भी, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये भी हम सब लोग काम करेंगे। आप सब लोग को इसलिए आमंत्रण दे रहा हूँ कि किस प्रकार का उत्साह यहाँ के लोगों में है, ये उत्साह आपको देखने को भी मिलेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग सुनना भी चाहते हैं और मुजफ्फरपुर में कमल को खिलाना चाहते हैं, वैशाली में हेलीकॉप्टर को खिला करके पुनः मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं मुजफ्फरपुर के जिला के लोग, ये संकल्प लोगों के मन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोगों को इस दिशा में पता चला, सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ दायित्वान कार्यकर्ता महागठबंधन प्रत्याशी के नामांकन में देखे गए हैं। कल रात ही उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और आगे 7 दिन का उनको समय दिया गया है, आगे उन पर बिल्कुल कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा और जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने क्या कुछ कहा। वही आपको बता दें कि कल मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे और वो जो वैशाली लोकसभा सीट और जो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील भी करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से दावा भी है कि कल लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो जनसभा में भाग लेगी। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।